हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे गन्ने की रस की खीर। अब हम डालेंगे गरम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी और उसमें 2-3 इलायची और इसमें भीगे हुए चावल हैं, ये टुकड़ा चावल है कि मैंने 1 कटोरी लिया है, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी इसमें डालेंगे हम 2 गिलास गन्ने का रस और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिला के अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख लें जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब आप देख सकते हैं पक के गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट जो कि मैंने बादाम लिए, काजू लिए और किशमिश। ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद इसमें थोड़े एसेंस डालें जो मैंने केवड़ा जल डाला है। अब ये खीर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में डाल के ठंडा करके सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।